हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेथिकॉन ड्रॉप्स के बारे में। ये ड्रॉप्स 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ये ड्रॉप्स बच्चों में किन किन समस्याओं में इफेक्टिव है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों डाइसाइक्लोमिन स्पास्मोडिक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। ये पेट दर्द, पेट में ऐंठन, पेट में मरोड़ में जबरदस्त इफेक्टिव है और सिमेथिकॉन पेट में बनने वाली गैस की समस्या को दूर करता है। कभी कभार बच्चों में ज़्यादा गैस बनने के कारण भी पेट दर्द हो जाता है। तो दोस्तों ये ड्रॉप्स बच्चों में पेट दर्द और गैस की समस्या में जबरदस्त इफेक्टिव है। अगर बात करें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेथिकॉन ड्रॉप्स की डोज के बारे में तो इसकी डोज बच्चे के वजन और उम्र के ऊपर निर्भर करती है। अगर बात करें इसकी सामान्य खुराक के बारे में तो 2 ml सुबह और 2 ml शाम को डॉक्टर बच्चों को देने की सलाह दे सकते हैं। ये डोज 6 माह से 1 साल के बच्चे के लिए हो सकती है। 1 से 2 साल के बच्चे को 2.5 से 3 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दे सकते हैं। इसकी डोज आप डॉक्टर द्वारा तय की गई निर्धारित मात्रा में ही दें। तो ये दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेथिकॉन ड्रॉप से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसे बच्चों को देने में उनमें कॉन्स्टिपेशन, मतली, उल्टी, अधिक नींद आने की समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होते हैं, महज कुछ मामलों में ही देखे जाते हैं। अगर आपको बच्चे में इस प्रकार के लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।